ऑल ओवर पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामाइन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रेडियो सबका साथ, द प्रोजेक्ट ऑफ नई सुबह एंड यू आर लिस्निंग थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे। माई सेल्फ कॉल्ड सबा गजाली। जनाब कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? होपफुली यू ऑल आर वेल, स्टेइंग सेफ एंड हैविंग अ ग्रेट लाइफ जर्नी। Yes, listeners. So, बात करेंगे अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट पे जो कि है आपका जाना पहचाना और मेरा जाना पहचाना। Yes, थोड़े phrases, थोड़ी positivity और थोड़ा सा current scenario पे discussion. So, जनाब start करते हैं अपना program और शामिल करते हैं आज का हमारा पहला idiom जो कि है the last straw. The last स्ट्रॉ। जनाब द लास्ट स्ट्रॉ मीन्स आपकी सबर की आखिरी हद, वो आखिरी हद कि जिसके पार होने के बाद आप ये समझते हैं कि अब सर्वाइव नहीं किया जा सकता। सो दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ व्हेन ही केम टू हर हाउस एंड थ्रेटन्ड हर। Yes, ये उसकी सबर का आखिरी पैमाना था, ये उसके सबर की आखिरी हद थी कि जब वो उसके घर आया और उसने उसको धमकी दी। बिल्कुल जनाब ये लास्ट स्ट्रॉ होनी भी चाहिए और आगे बढ़ते हैं। So this was the last straw when Pakistan lost the match and I thought that I should not watch cricket anymore. This was the last straw in terms of cricket when we are talking about Pakistan and India. But sports are sports and we should deal the things with sportsman spirit. So this should not be the last straw. Those who play well win the match. Those who lose the match, definitely there are some mistakes which they have to think about and they should work on it. So ye thi baat last straw ki aur iske sath janab PSL aane wali hai. PSL 14th of November se shuru ho rahi hai dobara, jahan se PSL stop hui thi. Aur maze ki baat aapko batate chale, ek aur turn kismat ne liya aur jo matches Karachi se bilkul खारिज कर दिए गए थे, कराची को डिसमिस कर दिया गया था कि नहीं कराची में नहीं करवाने हैं, तो अब सारे मैचेस कराची में आ चुके हैं जनाब। ये बहुत अच्छी खबर है और आई लव इट। मतलब कराची है। ऑलराइट, तो यू आर लिसनिंग थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे, माई सेल्फ कॉल सबा गजाली। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले ईडियम पर। हमारा अगला ईडियम है क्लोज बट नॉट सिगार। क्लोज but not cigar, it means that it's almost but not quite. मतलब तकरीबन ऐसा ही है, मतलब लेकिन यकीन तौर पे पूरी तरह से ऐसा नहीं है। close but not cigar. So जनाब when your answer is close but not cigar, it means that you have lost the marks. very bad luck, a hard luck of the person who is close but not cigar. Well, so baat karenge aage aur hum PSL ki baat ko aage badhayenge ke janab PSL hone wali hai aur I wish ke Karachi jeet jaye. This would be quite fine ke Karachi jeet jaye, lekin agar Karachi na jeete to kaun jeete? कराची ना जीते तो कौन जीते? दिस वुड बी अ बिग क्वेश्चन। बट फिर कोई भी जीत जाए, सारी टीम हमारी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची भी जीत जाए ना भी जीते तो भी कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक शहर होने की वजह से आपको बहुत जाहिर सी बात है दिलचस्पी होती है अपने शहर से और आप चाहते हैं कि आपका शहर जीते और आपका दिल ये चाहता है कि आपका शहर जीते और वैसे भी कराची कराची है। सो जनाब कराची इज़ द इकोनॉमिक
hub of Pakistan और Karachi is the city of lights. Yes, जनाब, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे circumstances और भी हैं, political scenarios हमारे बदल रहे हैं. जैसे कि आपने देखा कि मुख्तलिफ दिनों में PDM movements शुरू हो चुकी हैं, और वो मुल्क में क्या चेंज लाएंगी, क्या हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है नीचे आ जाएगी, या फिर मुल्क में मज़ीद इंतशार फैलेगा, क्योस फैलेगा और हम मज़ीद स्टेट ऑफ डिस इक्वलिब्रियम में चले जाएंगे, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, ये हम देखेंगे वक्त के साथ. लेकिन आई विश कि हमारा पाकिस्तान जो है वो जो डेफिसिट है उसको कवर करे, और जो तरक्की की राहें हैं वो हमारे पाकिस्तान के लिए हमवार हो. जी बिल्कुल, तो मोटिवेशन नहीं छोड़नी चाहिए, और बिल्कुल आई विश के, और हम सब की ही मेरा ख्याल है ये दुआ होती है कि पाकिस्तान को कभी भी कोई नुकसान ना हो. सो जनाब, रैप अप करेंगे अपने प्रोग्राम को, लेकिन रैप अप करने से पहले दो तीन बातें मैं आपसे कहूँगी. एक तो ये कि कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो एहतियात करें, एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें. दूसरा ये कि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम के असरात भी हम पे बहुत सारा असर करेंगे. कभी फ्लू होगा तो कभी फीवर, और इसलिए हमारे लिए एहतियात बहुत लाजिम है, एज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो अपना ख्याल रखें और एहतियात करें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें. कोई भी चीज़ जब हाथ में लें तो उसको ज़रूर आप उसे बाद में फिर सैनिटाइज़र यूज़ करें, और उसके अलावा जो है हाथों को टाइम टू टाइम ज़रूर धोते रहिए, और साथ ही साथ जनाब मास्क का इस्तेमाल जारी रखें, क्योंकि मास्क लगाना ज़रूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है. लोगों से एक हद तक फासला रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फासला ही हमें और हमारे अपनों को महफूज रख सकता है. तो अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, और उन लोगों का ख्याल भी रखिए जो आपसे नाला रहते हैं, जो आपसे नाराज़ रहते हैं, या आपको नहीं चाहते, या आपकी हमेशा क्रिटिक करते हैं. तो बुरा ना मानिए, हर आने वाला पल आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा और कुछ नया चेंज ज़रूर लाएगा. तो इसी अच्छे ख्याल के साथ कि जब हम मेहनत करते हैं तो खुदा हमें ज़रूर फल देता है, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल. टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.